वडोदरा ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा एक बार फिर सरेआम नियमों का भंग करते वैसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाते हुए शहर के अलग अलग विविध विस्तारों में 20 जितनी टीम को तैनात किया गया। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा अब शहर में एक बार फिर सक्रिय कामगिरी के भाग रूप नियमों का भंग करते वैसे वाहन चालकों को दंडित करते हुए सघन कामगिरी जारी की है। साथ ही पेंडिंग बने वैसे ई चलन यानी कि ई मेमो को भरने के लिए भी पुलिस की 20 अलग अलग टीम ने शहर के अलग अलग विस्तारों में अब मैदान पर उतरते हुए कामगिरी की जा रही है। सरकारी ई मेमो की वेबसाइट पर बोगस वेबसाइट बनाकर हैकर्स द्वारा वाहन चालकों के पास से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। ऐसे में वडोदरा शहर में ट्रैफिक नियमों का भंग करते वैसे वाहन चालकों के से ट्रैफिक पुलिस की दंड वसूलात के लिए अब सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ई मेमो भेजा जाता था, लेकिन कई वाहन चालक ई मेमो की भरपाई नहीं करते थे। ऐसे में तमाम पेंडिंग केस और आने वाले दिनों में नियमों का भंग करने वाले वैसे लोगों के खिलाफ 9 दिसंबर तक विशेष ड्राइव चलाई जा रही है, जहां वडोदरा के अलग अलग 20 जितने पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहते हुए तमाम के खिलाफ स्थल पर ही जरूरी कागजात की छानबीन करते हुए दंड वसूलात के लिए कामगिरी जारी की गई। आज हमने उपला अधिकारी साहब से जो ना हुकम थे और आदेश थे ई चलन ने ट्राफिक नियमन ने ई चलन नी जे VTP अनुसंधाने जे कामगिरी करवा माटे हाल अमे नर्सिंग होम 4 रस्ता हाजर छे अने जो ने 2 व्हील 4 व्हील 3 व्हील जे गाड़ी आवे एनो नंबर नाखी एनी अंदर जे आप जोई रह्या छो के आ रिक्शा छे એ રિક્ષાને લે અમને જે આપેલી વેબસાઇટ એ વેબસાઇટને ખોલી તેઓને અંદર નાખી એનો નંબર નાખી એ ભાઈને બતાવીએ છીએ કે ભાઈ તમારું આટલું ઈ ચલણ છે અને આટલા ઈ ચલણના મહેમા છે એ તમે આવતી આવે છે એ તારીખમાં કોર્ટની અદાલતમાં લોક અદાલત છે જેમાં જઈ તમે ભરપાઈ કરી દેશે 9 તારીખે।